सीरीज में, इंटरफेरेंस की सीरीज में आज ये हमारा छठा लेक्चर है और यूनिट थर्ड है ये। बीएससी सेकंड ईयर का ऑप्टिक्स वन बुक है और इसका हमारा ये लास्ट लेक्चर है। यानी ये छोटे छोटे 6 लेक्चर्स में हमने ये पूरी यूनिट कवर कर ली है। इससे बाहर आपके एमडीयू और कुरुक्षेत्र के सिलेबस में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस इससे अलग हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रह जाती हैं और वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करा देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टोक्स लॉ और फेस चेंज ऑन रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों नाम से आ सकता है, फेस चेंज ऑन रिफ्लेक्शन से भी आ सकता है और स्टोक्स लॉ से भी आ सकता है। तो ये बहुत सिंपल सा एक छोटा आर्टिकल है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कई अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। तो इसको पढ़ते हैं बेटा। फेस चेंज ऑन रिफ्लेक्शन और स्टोक्स लॉ। फेस चेंज से क्या मतलब है हमारा? जैसे एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है जो आपने 12th क्लास में या शायद 10th में भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, कि भाई जब कोई इंसिडेंट रे लाइट आती है और एक दूसरे मीडियम, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो अपने पाथ से नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाती है, या फिर सेम मीडियम में जाती है तो कोई एक रिफ्लेक्टेड एंगल बना करके उधर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो सेम वही कंसेप्ट यूज़ करके और हम फेस चेंज ऑन रिफ्लेक्शन को आज सीखने की कोशिश करेंगे। तो है क्या है फेस चेंज ऑन रिफ्लेक्शन और स्टोक्स लॉ क्या है? तो इसकी ये डेफिनेशन है, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन ए लाइट इज रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम, इट सफर्स ए फेस चेंज ऑफ पाई और ए पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई टू। यानी जब कोई इंसिडेंट रे किसी डेंसर मीडियम पर पड़ती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, तो वो उसमें कितना चेंज आता है? एक पाई का चेंज आता है उसमें। फेस चेंज में कितना आता है? पाई का फेस चेंज आता है। और पाथ डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो लैम्डा बाई टू का होता है। ठीक है। इट कैन बी एक्सप्लेन बाई यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। इसको हम ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी से एक्सप्लेन करेंगे आज। तो ये डेफिनेशन है, ये तो आपने लिखनी लिखनी है, इसमें सब कुछ ही लिखना है, वैसे तो कुछ छोड़ना नहीं है इसमें। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही एकदम एग्जैक्ट नोट्स के जैसा है लिखा है मैंने। तो आगे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ए रे ऑफ लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड विल रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ इज इफ इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। यानी जब कोई इंसिडेंट रे आ रही है और मान लीजिए वो रिफ्लेक्ट हो गई है और उसके बाद आगे आपने कोई मिरर लगा दिया है, तो वहाँ से फिर वो वापस अपने पाथ पर आती है, उसी अपने पाथ पर आती है। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है ये हमारा। ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले ये एक हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक ऐसा डायग्राम है जिसमें दोनों दिखाए गए हैं। तो इसकी कंसिडरेशन क्या है? लेट अस कंसिडर अ वेव ऑफ एम्पलीट्यूड ए। मान लीजिए कोई वेव, इंसिडेंट वेव है जिसका एम्पलीट्यूड ए है, और जो हमारे एक सरफेस, ये हमारा सरफेस है, ये ऊपर रेयर मीडियम है, हमने ऐसा सपोज किया है, वन है जो, और जो टू है वो डेंसर मीडियम है, और रेयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू वन हमने कंसिडर किया है, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव हमने इंडेक्स हमने म्यू टू कंसिडर किया है। इसके बाद जब हमारी रे इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस पर और उसके बाद ये डेंसर मीडियम में जा रही है, तो टुवार्ड द नॉर्मल ये शिफ्ट हो रही है, और इसको हम क्या, कौन सी रे बोलेंगे? ट्रांसमिटेड रे बोलेंगे इसको, और रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे इसको। दूसरा, जब ये रे हमारी उसी डेंसर मीडियम से अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, और उसका नाम हमने यहाँ पर AR1 दिया है, और अगर ये ट्रांसमिटेड हो रही है तो हमने उसके एम्पलीट्यूड को मिलाकर के हम लिखा उसको AT1 लिखा है। तो यही इसमें कंसिडर है, कंसिडरेशन में है। लेट अस कंसिडर ए वेव ऑफ एम्पलीट्यूड ए इंसिडेंट ऑन द सरफेस सेपरेटेड द टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन एंड म्यू टू। लेट द मीडियम टू इज डेंसर देन वन। लेट R1 एंड T1 बी द रिफ्लेक्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग कोफिशियंट्स वैन रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू टू। ठीक है, वो भी मैंने आपको सब समझा दिया है। एंड एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम विल बी AR1 एंड AR2 रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर वन। ये AR2 नहीं है, हाँ ये AT1 है ये। ठीक है। तो
हम ये हमारा आपका सिंपल कंसिडरेशन हो गया। अभी तक हमने इसमें फेस चेंज से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तक ये हमारी केवल कंसिडरेशन है, ठीक है। इसके बाद हम इस लॉ को आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये है हमारा जो आपने सीखना है, और ये ही पूरे आपके 4 नंबर दिलाएगा पेपर में अगर आएगा तो। ये अब इसमें देखो, अब ये डायग्राम आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, बट ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ना ही इसे बॉदर करने की ज़रूरत है। इसको पहले लास्ट डायग्राम से मैच करके देखते हैं कि ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये ए है, इस पॉइंट पर आ रही है, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये AR1 इधर हो गई, ट्रांसमिट हो रही है तो AT1 ये इधर हो गई है, ठीक है। इसके बाद जो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है वो क्या है कि आपने इसके वे में आगे रास्ते में एक मिरर लगा दिया, इधर भी आपने एक मिरर लगा दिया है। जब आप मिरर लगा देंगे तो ये वापस रे उसी रास्ते से वापस आ जाएगी, ऐसे ट्रांसमिटेड रे भी उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। अब ये जब दोनों रे आएंगी तो ये फिर इस पॉइंट के लिए इंसिडेंट रे बन गई है, तो जब ये रे इस पॉइंट के लिए इंसिडेंट हो गई तो इधर रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। ये रे आई, ये इसके लिए रिफ्लेक्शन हो गया, और ये अंदर इस मीडियम में जाएगी तो ये इसके लिए ट्रांसमिटेंस होगी। सिमिलरली जब ये रे है ये यहाँ से जाएगी इंसिडेंट ए पॉइंट पर आई और डी सॉरी ओ पॉइंट पर आई और डी की तरफ अगर ये वापस आ रही है तो ये इस ओ बी रे के लिए ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया है। और जब ये रे दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये इसके लिए क्या हो गया, ट्रांसमिटेंस हो गया है, ठीक है। बस अब हमने यही करना है कि एक बार तो हमने पॉइंट ए ओ पर ये चेक करना है कि क्या क्या केस बनेंगे, ठीक है, और एक बार हमने चेक करना है कि ओ डी पॉइंट पर हमारे क्या 2 केस बनेंगे। बस इन दोनों से 2 हमारी इक्वेशन बनेंगी, और जो 2 इक्वेशन होंगी वो हमारी स्टोक्स रिलेशन होंगी, ठीक है। तो एक बार देखते हैं क्या लिखा है इधर। व्हेन 2 रेज AR1 एंड AT1 आर रिवर्स्ड, द रे AR1 इज इंसिडेंट ऑन मीडियम 2 एंड द रे AT1 इज इंसिडेंट ऑन मीडियम 1। यानी जब AR1 आ रही है तो हमारी ये 2 मीडियम पर इंसिडेंट हो रही है, और जो AT1 रे है ये हमारी 1 मीडियम में जाने के लिए आतुर है, तो ये 1 मीडियम पर इंसिडेंट हो रही है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया है, जैसा कि हमारा फिगर 2 में दिखाया गया, ठीक है। आगे है, व्हेन R1 एंड T1 बी रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड कोफिशियंट व्हेन रे गोज फ्रॉम द मीडियम 2 to 1। अब हम ये आगे पढ़ेंगे कि अब कैसे कैसे क्या क्या केस बनते हैं। तो यहाँ तक ये सिंपल कंसिडरेशन है। अब आगे है इसमें, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग द 2 रेज ऑफ एम्पलीट्यूड अलोंग AO, अलोंग AO के अलोंग देखना है आपने कि जो दोनों रे हैं, एक तो ये रे है हमारी रिफ्लेक्टेड होकर के आ रही है वापस मिरर से, और एक ये रे है हमारी AR1 एंड AT1। अब जब ये रेज इस डायरेक्शन में जा रही हैं क्या आउटपुट आ रही है हमारी, उसको समझो। देखो जरा, तो अब ये आप बिल्कुल यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि ये रे हमारी आई, ठीक है, ओ पॉइंट पर आकर के टकराई, उसके बाद इधर ये रे हमारी रिफ्लेक्टेड हुई है, रिफ्लेक्टेड हुई है तो इसमें R1 कोफिशियंट ऐड हो जाएगा, यानी ये जो रे हमारी आई है AR1 जो रे आई है इसमें कोफिशियंट क्या ऐड हो गया है, ये रे हमारी आई है AR1। जब ये इधर रिफ्लेक्ट हुई है तो इसमें कोफिशियंट AR1 तो पहले से ही है, ये तो ये इधर रिफ्लेक्ट हुई है तो इसमें कोफिशियंट हो गया AR1 ऐड हो गया है, क्लियर। ये बहुत सिंपल सी बात है कि ये रे हमारी आई इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुई और इसमें कोफिशियंट हो गया AR1 बन गया इसका, ठीक है। दूसरी जब हमारी AT1 आई है तो AT1 रे जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये इसके लिए ट्रांसमिटेंस हो गया, क्योंकि ये डेंसर से रेयर मीडियम में गई है, ट्रांसमिटेंस हो गया, तो ये ऑलरेडी रे क्या थी हमारे पास, AT1 थी, लेकिन इसके लिए ये इसके लिए T1 है तो इसके लिए दूसरा मीडियम हो गया है, तो इसके लिए ये फिर यहाँ इस पॉइंट पर जाकर क्या हो जाएगी, AT1 T2 हो गया, ठीक है। यानी जब ये रे हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गई है तो ये ट्रांसमिट हुई है, AT1 ये ऑलरेडी थी तो इसमें T2 और ऐड हो गया है, तो इस ए ओ के अलोंग जो 2 कोफिशियंट बने हैं वो क्या बने हैं, AR1 और हाँ सॉरी AR1 R1, यानी AR1 का स्क्वायर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, AR1 R1, और AT1 की वजह से जो हुआ है वो हो गया हमारा AT1 T2, ठीक है।
अब यहाँ देखो, इसी बात को हमने थोड़ा सा यहाँ लिख दिया, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी द टू रेज ऑफ एम्पलीट्यूड अलोंग एओ, एओ के अलोंग जो रिफ्लेक्शन है वो क्या है, ओसी, ओसी का तो ओसी ओसी तो हमारी ये है, इसकी वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा है ऐसे, और ओ बी की वजह से क्या हो रहा है, ट्रांसमिटेंस हो रहा है, ट्रांसमिटेंस ऑफ ओ बी मस्ट बी कम्बाइंड ऑफ इंसिडेंट रे। अब ये क्या जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हमारी इंसिडेंट रे थी ए, यानी ए किसके बराबर हो गया है, ए आर वन प्लस ए टी वन टी टू के बराबर हो गया है। तो ये हमारे यहाँ से एक रिलेशन बन गया है, ए इक्वल टू आर वन प्लस ए टी वन टी टू। और हम इसको क्या कर सकते हैं, ए इसमें से कॉमन ले करके लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बाहर आ जाएगा, तो आर वन माइनस टी वन टी टू इक्वल टू ए, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये वन हो गया। अब आर वन आर टू को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस आर वन आर टू इक्वल टू टी टू टी वन। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर वन दो बार लिखने, इसको स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो हम इसको फाइनली ऐसे लिख सकते हैं, वन माइनस आर स्क्वायर, यानी आर वन स्क्वायर भी, आर वन स्क्वायर यहाँ, सॉरी आर वन स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, आर वन स्क्वायर इक्वल टू टी वन टी टू। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है वन, ठीक है, जो किसकी वजह से बनी है, जब ये दोनों इक्वेशंस एलोंग एओ, ठीक है, एक केस हो गया ये। दूसरा केस है कि जब ये ओ डी के अलोंग हमारा क्या केस बनेगा, इसमें रिफ्लेक्शन है, अब ये रे आई ए आर वन, ओ पॉइंट पर आ गई, ओ पॉइंट पर आने के बाद अगर ये दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, ऑब्वियसली दूसरे मीडियम में जाएगी, तो ये इसके लिए क्या हो गया, ये इसके लिए ट्रांसमिटेंस हो गया है, ठीक है, ट्रांसमिटेंस हो गया है, तो ए आर वन तो पहले से ही है, तो ये इसमें ट्रांसमिटेंस टी वन हो गया इसके लिए, ठीक है, तो ये क्या बन गया, ए टी वन आर वन, ठीक है, ए आर वन हो गया और टी वन ट्रांसमिटेंस हो गया। सिमिलरली जब ओ बी ए टी वन है, इस पॉइंट पर जाएगी तो फिर रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट, देखो दो ही काम होंगे, एक तो रिफ्लेक्ट होगी, एक ट्रांसमिटेंस होगी, जब ट्रांसमिटेंस होगी ये तो लास्ट में चला गया, यहाँ पर जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये ओ डी वन ओ डी की तरफ जाएगी, ओ डी की तरफ जाएगी तो ए टी वन, सॉरी हाँ सॉरी ए टी वन हो गया हमारा, रिफ्लेक्ट होगी तो आर टू हो गया, तो टोटल क्या हो गया, ए टी वन आर टू हो गया है ये, यानी इस पॉइंट के अलोंग क्या हो गए हैं हमारे, ओ सी से तो बन गया है आपका ए टी वन आर वन, और ओ बी से क्या हो गया हमारा ए टी वन आर टू, यानी ओ डी के अलोंग। हाँ, और यहाँ पर क्या है कि ना तो रिफ्लेक्ट हो रही है ना यहाँ से कोई इंसिडेंट है, तो इन दोनों का जो मिलाकर के जो कंबाइंड एम्पलीट्यूड है वो जीरो के इक्वल है, ठीक है। फर्दर द टू रेज ऑफ एम्पलीट्यूड अलोंग ओ डी ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ ओ बी, यानी ओ बी के लिए तो ये रिफ्लेक्शन है और ओ सी के लिए ये ट्रांसमिटेंस ऑफ ओ सी, मस्ट बी कम्बाइंड ऑफ टू कम्बाइंड ऑफ जीरो बिकॉज नो मिरर और आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द वेव और कम बैक, यानी यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं है कि वो वापस आ रही है या कुछ कट रहा है, यानी टोटल एम्पलीट्यूड वो जीरो ही हो रहा है। तो इक्वेशन क्या बन गया, ये ए टी वन आर वन, ए टी वन आर वन प्लस ए टी टू, सॉरी ए टी वन आर टू, ए टी वन आर वन और ए टी वन आर टू। अब इन दोनों में से ए टी वन हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है आर टू प्लस आर वन इक्वल टू जीरो। और अब इसके बाद दो केस हैं कि या तो ए टी वन जीरो होगा या आर वन प्लस आर टू जीरो होगा, तो ए टी वन तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि वो एक डेफिनेट एम्पलीट्यूड है जिससे वेव ट्रेवल कर रही है, अगर ये जीरो होगा तो फिर वेव ट्रेवल नहीं करेगी, तो दैट मीन्स आर वन प्लस आर टू इक्वल टू जीरो, दैट इज आर वन इज इक्वल टू माइनस आर टू। और ये हमारा स्टॉक्स का सेकेंड रिलेशन है, और जो ये दोनों रिलेशन हैं वन एंड टू, इन दोनों को मिला करके बोलते हैं हम, इन इक्वेशन को क्या बोलते हैं, स्टॉक्स रिलेशन बोलते हैं हम, ठीक है, ये हमारा स्टॉक्स लॉ है। तो ठीक है, ये नोट्स बना लेने हैं सबने और पेपर में ये लिख करके आए। थैंक यू।